नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश का गौरव चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंच चुका है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ताकत को देख चुकी है और उसकी गवाह भी बनी। हिंदुस्तान ने इतिहास रचते हुए वो कारनामा कर दिखाया जो कोई आज तक नहीं कर सका था। दुनिया ने देखा कैसे हिंदुस्तान ने लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई और अब इसी कड़ी में इसरो ने एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रोवर प्रज्ञान हिंदुस्तान के निशान चांद की सतह पर छोड़ रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। असल में सिर्फ प्रज्ञान रोवर ही नहीं उतर रहा बल्कि दुनिया को भारत की ताकत भी दिखाई जा रही है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जब लैंडर विक्रम से प्रज्ञान बाहर आता है तो उसके साथ उसकी परछाई भी चल रही होती है। दरअसल अभी जहां लैंडर उतरा है वहां अगले 12 दिन तक सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी। प्रज्ञान की यही परछाई उसी रोशनी के कारण दिख रही है। विक्रम की ढलुआ सतह से जैसे प्रज्ञान ने नीचे उतरना शुरू किया उसकी दाहिनी तरफ प्रज्ञान रोवर की परछाई भी साफ दिखाई देती है। इसरो ने जो 30 सेकंड का रोवर प्रज्ञान के चांद की सतह पर उतरने का वीडियो जारी किया है वो बताता है कि कितनी तैयारी और तकनीक के जरिए इस बार का चंद्रयान मिशन को अंजाम दिया गया था। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कुछ दिन पहले कहा था कि चंद्रयान 2 की खामियों से सीख लेते हुए इस बार के मिशन को लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि लैंडिंग के करीब 4 घंटों के बाद जब सतह पर धूल का गुबार छट गया, शांत हो गया था, उसके बाद लैंडर विक्रम ने अपना गेट खोला और बड़ी शान के साथ रोवर प्रज्ञान उससे बाहर आया। फिर धीरे धीरे लैंडर पर लगी सीढ़ियों से प्रज्ञान रोवर ने उतरना शुरू किया और जब उसने उतरना शुरू किया तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे चांद की सतह को चूमने की बड़ी जल्दी है। जैसे प्रज्ञान नीचे उतरता है साफ दिखता है कैसे प्रज्ञान चांद के माथे पर हिंदुस्तान के निशान छोड़ देता है। प्रज्ञान इतना स्मार्ट भी है कि उतरते ही जैसे उसके रास्ते में गड्ढा आया वो तुरंत रुक गया और फिर उसने अपना रास्ता बदल लिया। अब प्रज्ञान अपना काम शुरू कर चुका है और जिस काम के लिए उसे वहां भेजा गया है अब चांद की सतह पर जो भी कुछ मौजूद है सबकी जानकारी को वो एक एक कर धरती पर भेजेगा। यहाँ आपको जाते जाते एक जानकारी और देते चले कि इससे पहले भी इसरो कुछ तस्वीरें जारी कर चुका है जिसमें पहली बार चांद पर मौजूद लैंडर साफ तौर पर नजर आ रहा था। ये दिलचस्प बात ये भी है कि ये तस्वीरें चंद्रयान 2 ने भेजी थी जिसमें लैंडर विक्रम को देखा गया था। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का फोटो शूट किया था। आपको ये भी बता दी कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगा कैमरा चांद पर इस वक्त मौजूद सबसे बेहतरीन कैमरा है। गौरतलब है कि चंद्रयान 2 भले ही 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम रहा हो लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी लगातार चांद के चक्कर लगा रहा है और लगातार डेटा भी भेज रहा है। इसी ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 को स्पॉट कर उसकी तस्वीरें खींची जो कि इसरो ने शेयर भी की हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि प्रज्ञान चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना मिट्टी और चट्टानों की जांच करेगा। ये ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्रमा की सतह के आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व और थर्मल गुणों को मापेगा। सिर्फ रोवर ही नहीं बल्कि लैंडर के माध्यम से भी सूचनाएं और पूरी तकनीकी जानकारियां इसरो को मिलती रहेंगी। हिंदुस्तान लगातार इतिहास रच रहा है और इतिहास के पन्नों में हिंदुस्तान का नाम लगातार सुनहरे अक्षरों से दर्ज करवा रहा है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।